इंसान को इस दुनिया में जब भी तरक्की मिली, या वो कामयाब हुआ, या उसके मामलात आसान हुए, या वो किसी चीज के ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल हासिल करता है, तो उसका क्रेडिट अपने आप को देता है। वो समझता है कि वो कादिर है, वो इलाह है, वो कंट्रोल कर रहा है, और सेल्फ मेड मैन के ऐसे नारे लगाता है कि ये सब उसने बनाया, उसने अपने आप को पैदा किया, उसने फिर आगे वसाइल भी खुद पैदा कर लिए। ये तरक्की का असल हकदार वही है, इसलिए लोगों को उसके आगे आजिज हो जाना चाहिए और उसकी इबादत भी करनी चाहिए और तारीफों के बाप भी बांध देने चाहिए उसके नाम के, उसके पुतले बना देने चाहिए, उसकी तस्वीरें लटका देनी चाहिए और लोगों में उसकी शोहरत के किस्से आम कर देने चाहिए। अल्लाह ताला इंसान के इस तकब्बुराना रवैये के आगे और उसको सबक सिखाने के लिए और इसको उस राह मुस्तकीम पर लाने के लिए जिस पर इसकी फितरत और इसको तखलीक किया गया था, सूरह वाकिया के अंदर चंद सवाल करते हैं जिसमें तंज भी है, सबक भी है, रहमत भी है और नसीहत भी है। अल्लाह फरमाते हैं, अफराई तुम मा तुम नून, भला बताओ ये जो पानी की मनी का कतरा जो तुम टिपकाते हो बच्चा पैदा करने के लिए, अंतुम तखलुकूनहु, क्या माँ के रहम में तुम पैदा करते हो उसको, क्या तुम बना रहे होते हो उसको, अम नहनुल खालिकून, या हम पैदा कर रहे होते हैं उसको। अगर तुम्हारा दावा है कि तुम करते हो तो अल्लाह कहते हैं नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौता, हमने तो तुम्हारी मौत भी मुतय्यन कर दी है, वमा नहनु बिमसबूकीन, और हम इस चीज से हारने वाले नहीं हैं। कोई चीज अल्लाह को आजिज नहीं कर सकती। अगर तुम खुद अपने आप को पैदा करने वाले हो या तुम समझते हो कि ये औलादें तुम्हें क्रेडिट मिले इसका, तो फिर तुम मौत को क्यों नहीं रोक लेते, तुम अपनी मौत को क्यों नहीं रोक लेते। आगे अल्लाह फरमाते हैं अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम, और हम इस चीज पर भी कादिर हैं कि तुम्हारी जैसी एक और मखलूक भी लेके आ जाएंगे, और देख लो कभी कुछ लोग थे आज वो नहीं हैं, और आज तुम हो कल तुम नहीं होगे। वनुंशिकुम फीमा ला तालमून, और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे हम, ऐसे आलम में पैदा कर देंगे जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं दूसरा सवाल करते हुए, अफराई तुम मा तहरुसून, खेतियां तो तुम बहुत उगाते हो, बीज तो तुम बहुत डालते हो, माल भी बहुत कमाते हो उससे, एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर तुमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोली हुई हैं, बड़े बड़े तुम्हारे तिजारती सिलसिले हैं, जरा ये तो बताना ये जो तुम बीज डालते हो जमीन के अंदर, अन तुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम उगाते हो उसको, तुम गुठली को फाड़ते हो, तुम उसको हवाओं से बचाते हो, जमीन के नीचे वो जिन ताकतों से लड़ता है वो तुम करते हो, और जमीन के ऊपर वो जिन आफात से लड़ता है या वो तुम करते हो। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये तुम्हारा दावा है कि तुम करते हो, ये तुम्हें क्रेडिट मिलना चाहिए इसका, इस कायनात के निजाम के चलने का, तो अल्लाह फरमाते हैं लौ नशाउ लजअलनाहु खुतामा, अगर हम चाहें तो उसको रेजा रेजा कर दें, फजल तुम तफक्कहून, फिर तुम हैरत के साथ बैठ जाओगे, और तुम हैरत से बैठ जाते हो जब पानी साहिलों से बढ़ जाता है, जब हवाएं तेज हो जाती हैं, जब जमीन हिलने लग जाती है, जब आसमान से बिजलियां कड़कने लगती हैं, फिर तुम सभी बैठ जाते हो, फिर सबकी तस्बीहां शुरू हो जाती हैं, फिर हम ही याद आ रहे होते हैं सबको जब मौजों में तुगयानी आती है और समंदर तेज हो जाते हैं। कहते हो ये तो हमारे ऊपर किसी किस्म का बड़ा तावान आ गया है, बल नहनु महरूमून, और हम तो महरूम हो गए हैं, हमसे चीज छिन गई है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो फिर उस टाइम पर अपने आप को क्रेडिट क्यों देते हो जब जानते हो कि अल्लाह इन सब चीजों पर कादिर है। अल्लाह तीसरा सवाल करते हुए पूछते हैं अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, पानी तो तुम्हारी बड़ी पसंदीदा चीज है, पीते भी हो तुम इसको, और काफी मिला मिला के मुख्तलिफ रंगों की तुम ड्रिंक्स भी बनाते हो इससे, भला ये तो बताओ कि पानी जिसके साथ तुम इतनी बड़ी दुनिया चला रहे हो अपनी, जिससे पैसा भी कमा रहे हो, माल भी कमा रहे हो, और तुम्हारी लज्जत और तुम्हारी सेहत और तुम्हारी प्यास भी बुझाता है ये, आन तुम अंजल तुमो हुमिनल मुजनी, तुम आसमानों से बादलों से इसको नाजिल करते हो, अम नहनुल मुनजिलून, या हम नाजिल करते हैं इसको, लौ नशाउ, अगर दावा तुम्हारा है कि ये पानी तुम्हारा है, तो अल्लाह कहते हैं हम चाहें ना, अगर हम चाहें जाल ना हो उजाजन, तो हम उसे आसमानों में ही कड़वा कर दें जमीन तक पहुंचने से पहले, फलौ लतशकुरून,
کیوں نہیں تو عاجزی اختیار کرتا کیوں نہیں تو شکر ادا کرتا کیوں نہیں تو جھکتا اللہ کے آگے کیوں اتنا تکبر کرتا ہے ہماری ڈھیل کا غلط مطلب لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس جو وقت ہے وہ تیرے خلاف نہیں چل رہا تو نے میرے آگے ایک دن کھڑے ہو کے حساب کتاب نہیں دینا میری بنائی ہوئی دنیا اور میری دی ہوئی زندگی ایسی حالت میں جب تو تھا لم یکن شیئا مذکورا جب تو قابل ذکر ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا ہم نے پیدا کیا ہم نے دنیا دی تجھے ہم نے وسائل کریٹ کیے ماں باپ ہم نے دی تعلیم کے ذرائع ہم نے پیدا کیے ہم نے تیرے جسم کو حسن دیا تیرے بالوں کو حسن دیا تیری آنکھوں کو حسن دیا اینڈ میں ہمیں ماننے کے بجائے تو نے اپنی نفس کو سجدہ دے دیا یا لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا یا معاشرے کی رسومات کے اوپر جس کے آگے تجھے اپنے آپ کو نہیں جھکانا چاہیے تھا تو نے اس کے آگے اپنے دین کو برباد کر لیا اپنا دین بیچ دیا ہمارے کلام کی بڑائی نہ رکھی اور ہماری بڑائی بیان نہ کی آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھا سوال افرائیتم النار اللتی تورون آگ سے تو تم بہت ہی کام لیتے ہو کہ تمہاری پوری دنیا آگ پر چل رہی ہے انڈسٹری آگ پہ چل رہی ہے فوسل فیولز آگ پہ چل رہے ہیں تمہارے انجنز آگ پہ چل رہے ہیں آگ ہی تھی جس کے تحت تم ترقی کر کے یہاں پہنچے گرمائش میں یہ آگ کام دیتی ہے کھانا پکانے پر یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری کھالوں کو اس میں سے چربی نکالنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری ہر چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے بھلا یہ تو بتاؤ انتم انشاتم شجرتہا جس درخت سے یہ کوئلہ بنتا ہے اور یہ آگ بنتی ہے تم اگاتے ہو اس کو ام نحن المنشئون یا ہم اگاتے ہیں اس کو ہم نے بنایا یہ سب کچھ کس لیے نحن جعلناها تذکرۃ ہم نے یہ سارے اسباب بنائے نصیحت کے تمہارے لیے ومتاعا للمقوین اور مسافروں کے فائدے کی چیزیں بنایا ان سب کے لیے یہ سب ہم نے بنایا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے تم صراط مستقیم حاصل کرتے تم دین کی تلاش میں نکلتے تم دین پڑھنے نکلتے جو اتنی قدرت والا اللہ ہے تم اس کی معرفت کے لیے نکلتے اور تم اس میں فسبح بسم ربک العظیم تم عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تم کہتے کہ اللہ تیرے علاوہ میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے ہم فقیر ہیں تو غنی ہے ہم ضعیف ہیں تو قوی ہے ہم نے تکبر کے باب مان دیے اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کو ماننے اور اس کے آگے عاجزی انکساری سے محبتاً توکلاً اپنے آپ کو اس کے فرمان اس کے حکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے